الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इस आयत करीमा का बयान इस तवक्को पर शुरू किया था कि इस आखिरी अशरे में रोजाना इसके बारे में कुछ गुजारिशात पेश करके अशरा अखीरा के अंदर इंशाल्लाह 10 या 9 बयानात में उसकी तशरी अल्लाह ताला के फज़्ल करम से मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन बात पहली जगह पर आकर रुकी हुई है। ये चार हुक्म हैं इस आयत करीमा में, इस्बिरु, साबिरु, राबितु, वत्तकुल्लाह। तो बाकी जो तीन हैं, साबिरु, राबितु, इत्तकुल्लाह, वहां तक पहुंचने की नौबत आई नहीं। इस विरूही के ऊपर बात चलती रही, लेकिन इसमें कुछ हरज नहीं। अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई तो ईद के बाद भी इतवार के दिन सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो उनका बयान आगे हो सकता है। और अगर सब्र ही की अल्लाह ताला हकीकत हम पर वाज़े फरमा दे और उस पर अमल की तौफीक अदा फरमा दे तो ये भी तनहा काफी है, क्योंकि आगे जो कुछ आ रहा है वो इसी का तकमिला है। इसलिए अगर सिर्फ यहीं पर भी बात पूरी हो जाए तो ये भी कुछ कम नेमत नहीं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था कि सब्र जो है इसमें पूरा दीन सिमट आता है। और इसीलिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मनकूल है कि किसी बंदे को कोई नेमत, किसी बंदे को कोई नेमत इतनी वसी अता नहीं की गई जितनी के सब्र है। यानी
इंसान की के ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार बरस रही हैं, हर आन हर आन हर लम्हे बारिश बरस रही है। इन तअद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, शुमार में नहीं आता। लेकिन फरमाया कि उन नेमतों में जो औसा है, हदीस में अल्फाज उसके लिए औसा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि इससे ज्यादा वसी नेमत कोई और नहीं, सब्र से ज्यादा वसी नेमत कोई और नहीं। वसी ये क्या माना? वसी के माना इतनी फैली हुई है ये कि अगर ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से किसी बंदे को अता हो जाए तो वो इतनी वसी है कि दीन के सारे शोबों को शामिल हो जाएगी। इससे ज्यादा वसी नेमत अल्लाह ताला ने किसी बंदे को कोई और नहीं दी जितनी सब्र नेमत है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चलो इन 10 दिनों में या 9 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला इसी को समझने, इसी के ऊपर अमल करने, इसी की तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे तो ये भी कोई कम नेमत नहीं। और उसमें भी तीन किस्में अर्ज की थी, सब्र अल ताअ, सब्र अनिल मासिया और सब्र अल मुसीबा। ताअत के ऊपर सब्र, मासियतों से सब्र, यानी मासियतों के तकाजे को दबाकर अल्लाह तबारक व ताला की रजामंदी की खातिर उनको दबाना, और मुसीबत पर सब्र, यानी कोई तकलीफ पेश आए, कोई रंज पेश आए, कोई सदमा पेश आए तो उस मौके पर सब्र करना। सब्र करने के माना वो भी एक लंबी उसकी तफसीलात है, लेकिन हासिल उसका यह है कि इंसान को उस मौके पर अल्लाह तबारक व ताला से रुजू करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, और बावजूद रंज होने के, बावजूद सदमा होने के, बावजूद तकलीफ होने के, इस बात पर दिल को मुतमईन रखे कि फैसला अल्लाह जल्ला जलालहू का ही दुरुस्त है। जाओ मेरे समझ में आ रहा हो या ना हो, मुझे तकलीफ हो रही हो, चाहे मेरे दिल गम हो रहा हो, लेकिन फैसला अल्लाह जल्ला जलालहू का बरहक है। रजा बिल कज़ा, अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहे, उसके खिलाफ कोई शिकवा ना हो, कोई गिला ना हो, कोई एतराज ना हो कि या लम्हे ये क्यों कर दिया आपने, इसका नाम सब्र है। लेकिन किस्में तो ये तीनों हैं, लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि सबसे जो आजकल के जमाने में खास तौर पर सबसे ज्यादा जो बज़ाहिर दुश्वार है और उतनी ही अहम भी है, वह है सब्र अनिल माफिया, गुनाहों से अपने आप को बचाना। यह है सब्र का आला तरीन दर्जा कि नफ्स का तकाजा हो रहा है, दिल में चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, और उस हालत में इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की खातिर, अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने नफ्स को उन ख्वाहिशात पर अमल करने से रोके। यह है वो अजीम मकाम जिसके जरिए बंदा फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है। और हकीकत तो यह है कि यही चीज तो थी जिसकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में भेजा। वो जो फरिश्ते कह रहे थे ना, या अल्लाह में ये आप कौन सी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं, ये युस्फिकुद्दिमा व यस्फिकुद्दिमा, ऐसे मखलूक पैदा करने जा रहे हैं जो फसाद फैलाएगी, खूनेजियां करेगी।
तो अल्लाह मैंने क्या कहा कि इन्नी आलम माला तालमून, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम्हारे जो तुम नहीं जानते। यानी उन्होंने कहा था कि नहनु सब्बहु बिहमदिका व नुकद्दिसु लक, हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं, हम्द करते रहते हैं, तकदीर करते रहते हैं, तो बस हम ही काफी है और कोई मखलूक पैदा करने की क्या जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया निआले व माला तालमून, और उस सूरत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि देखो अब हम एक ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं जो तुम्हारा हाल तो यह है कि तुम्हें न भूख लगती है न प्यास लगती है, न तुम्हारे दिल में जिस्मानी नफसानी तकाजे पैदा होते हैं, फिर अगर तुम गुनाह से बच गए तो इसमें क्या बात, क्या कमाल है। ऐसे मखलूक पैदा करना जा रहा हूं जिसमें भूख भी होगी, जिसमें प्यास भी होगी, जिसमें नफसानी ख्वाहिशात भी होंगी, और उसको नफसानी ख्वाहिशात गुनाह पर आमादा करेंगी। एक तरफ तो यह होगा, दूसरी तरफ एक और मखलूक पैदा कर रखी है मैंने, इबलीस और शैतान के मखलूक, उसको पैदा कर रखा है, वो भी इसको बहकाएगा। लेकिन जब ये दोनों तकाजों से मुंह मोड़कर और दोनों के तकाजों को दबाकर मेरी इताअत की खातिर, मेरी रजामंदी की खातिर जब ये अपने नफ्स को मासियत से रोकेगा तो ऐ फरिश्तो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुमसे आगे निकल जाएगा। तो इस वास्ते अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसका अमली मुजाहरा दुनिया में भेजने से पहले करा दिया कि देखो आदम इंसान से कर दरस के पास मत जाने, उससे रोक दिया। अब रोक तो दिया मगर उनके दिल में ख्वाहिशात भी पैदा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने ख्वाहिशात को दबाए रखा, दबाए रखा, दबाए रखा, नहीं खाया। लेकिन इबलीस ने आकर धोखा दे दिया, तफसीलात उसकी दूसरी है, और वो बेचारे गलत फहमी में खा गए। अंबिया अलैहिस्सलाम जानबूझकर गुनाह नहीं करते कभी, वो मासूम होते हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं दयानत दाराना गलत फहमी, उसमें मुब्तला होकर ये खा लिया का अब जाओ यार। तो वैसे तो पता लग रहा है कि ये सजा मिली उनको इस गुनाह की, या गुनाह नहीं था, एक गलती थी, गलत फहमी थी, उसकी सजा मिली। लेकिन हकीकत यह है कि भेजा उस वक्त तक जा ही नहीं सकता था जब तक के इसके अंदर गलती करने की सलाहियत पैदा ना हो जाए। जब तक इंसान में गलती करने की सलाहियत पैदा हो जाती उस वक्त तक दुनिया में भेजने नहीं भेज सकते, क्योंकि खलीफा बनाने का मकसद ही है कि इसमें गलती की सलाहियतें पैदा कर रहे हैं हम, और ये उन गलतियों से खुद भी बचेगा, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करेगा। तो फिर ये फरिश्तों से आगे निकलेगा। इसलिए ये सब्र अनिल मासिया जो है ये अहम भी बहुत और मुश्किल भी, इन तीनों में सबसे ज्यादा मुश्किल, और इसी के जरिए बंदा अब मदारिज तय करता है, कहीं से कहीं पहुंचता है। जितना जितना ख्वाहिशों को दबाएगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के करीब होगा, अल्लाह ताला से कुर्ब पैदा होगा। अब जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो आज आखिरी दिन है रमजान का, पता नहीं बहुत से हजरात से पर कभी मुलाकात हो क्या ना हो, कि इस सब्र की कैफियत को हासिल करने के लिए यानी मासियत से अपने आप को रोकने के काबिल बनाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया। क्योंकि जब हम गफलत में होते हैं
अल्लाह बचाए जब गफलत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमारी कुव्वत इरादी इतनी कमजोर पड़ी हुई होती है, इतनी ज़ईफ होती है कि इधर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और उधर हमने अमल कर दिया। गफलत से जरा सा तनब्बो होता है, जरा सा आदमी बाहर निकलता है तो दिल उसका अकली तौर पर जानता भी है कि ये गलत है ये काम। एक वक्त तो वो था गफलत का जबकि जानता ही नहीं था, एहसास ही नहीं था, उसको गलत को गलत समझता ही नहीं था। ये तो मेरी दुनिया है और इस दुनिया के अंदर मुझे रहना है, मुझे मजे उड़ाने हैं, तो मजे उड़ाने के खातिर जो भी दिल में आ रहा है मैं करता जाऊंगा। बाबर बाएस को उसके आलम दोबारा नहीं, वो जो किसी ने कहा था बाबर बाएस को के आलम दोबारा ने कि ये किए जाओ जो मर्जी के किए जाओ, ऐश किए जाओ, अय्याशियां किए जाओ, ये दुनिया दोबारा आने वाली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू में तो अल्लाह बचाए ये होता है गफलत का, ये आलम होता है कि गलत को गलत ही नहीं समझता बल्कि बहस करने को तैयार है। करे मियां दुनिया भी है तो हम भी दुनिया में रहेंगे, दुनिया के तौर तरीके देखेंगे, दुनिया के ढंग इख्तियार करेंगे, इसी में लुत्फ आएगा। तो एक वक्त तो वो होता है जब बुरे को बुरा समझता ही नहीं, गुना को गुना समझता ही नहीं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसी बात से महफूज रखे, लेकिन होता है एक वक्त गुजरता है और खास तौर से जवानों में गुजरता है, नौजवानी में। वो शैतान ये बहकाता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, जब कहीं बुढ़ापा आएगा अधेड़ उम्र को पहुंचेंगे तो वो उस वक्त देखेंगे भाई जो दोज़ख़ जहन्नम जन्नत की बातें सोचेंगे। अभी तो जवान है, जवानी के अंदर सभी कुछ करना चाहिए, सभी कुछ कर गुजरते हैं, गुजरने दो। जब बुढ़ापा आएगा तो जब मौत करीब आएगी तो तौबा वौबा कर लेंगे और फिर अल्लाह ताला से रुजू कर लेंगे। ये शैतान बहकाता है, अभी हमारी उम्र ही क्या है। तो ये दूसरे धोखा, ये दूसरे धोखा इसलिए है कि अरे भाई तुम्हें किसी ने गारंटी दे रखी है कि बुढ़ापे तक पहुंचोगे, कोई गारंटी मिल गई है कि बुढ़ापे तक जरूर पहुंचोगे, कोई ऐसा तुम्हें पास मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हारी उम्र 60-70 साल तक जरूर पहुंच जाएगी, कभी आ जाए। मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, आंख किसी वक्त भी बंद हो सकती है। तो इसलिए ये ख्याल जो है ये भी महज शैतान का धोखा है। इसीलिए कहा गया कि वक्त पीरी गुर के जालिम भी शबद परहेजगार, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। के बुढ़ापे में तो जाके वो जो भेड़िया है ना वो भी परहेजगार बन जाता है, इसलिए कि ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ, खाए किसको। लेकिन दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना ये है पैगंबरों का सेवा। इसीलिए हदीस में फरमाया ऐसे नौजवान अर्श के साए में होंगे उस दिन जिस दिन गर्मी और सूरज सवा नदी पर और क्या कुछ और लोगों के लोग पसीनों में सीने सीने तक डूबे हुए, उस वक्त जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श रहमान के साए में रखेंगे उनमें वो नौजवान है जिसने जवानी में तौबा की, जिसने जवानी के अंदर अपने नफ्स पर काबू पाया। तो खैर एक वक्त आता है वो गफलत का, आगे जब जरा तवज्जो होती है तो गलत को गलत तो समझता है।
अकली तौर पर समझता है कि ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए। मसलन निगाह का गलत इस्तेमाल, ये मैं खास तौर पर इसे कह रहा हूं कि इसमें इब्तिला सबसे ज्यादा है। तो अकली तौर पर समझता है बुरा काम है, गुनाह है। लेकिन क्या करे कि अकल में तो आ गई बात, अकल में तो आ गई, लेकिन हिम्मत इतनी कमजोर है और इरादा इतना ज़ईफ है, कुव्वत इरादी इतनी ज़ईफ है कि अकली तौर पर उसको बुरा समझने के बावजूद जब दिल में तकाजा होता है तो उस तकाजे की मुकावमत नहीं कर पाता, उसका मुकाबला नहीं कर पाता, हिम्मत कमजोर पड़ी। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिम्मत में इतनी ताकत दी है कि रबड़ की तरह है, जिससे चाहो खींच लो उसको। तुमने देखा होगा, मनाज़िर देखे होंगे, हिम्मत से लोग काम करके क्या क्या कुछ करते, क्या क्या कुछ करिश्मे दिखा देते। तो हिम्मत अल्लाह ने इतनी दी है, लेकिन क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात के अंदर घुल घुल कर वो हिम्मत जो है वो बिल्कुल कल अदम हो गई। लिहाजा अखली तौर पर जानता भी है, मानता भी है कि ये काम गुनाह है, ये नाजायज है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब तकाजा दिल में पैदा हुआ, नफसानी ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, हथियार डाल दिए। तो क्या करे ऐसा बंदा, मायूस हो जाए कि नहीं मेरी इसलिए नहीं होती। मायूसी भी फिको कुफर, दो काम हैं जो करने के, वो किए जाओ और उसको अपना वजीफा हयात बना लो, तो इंशाल्लाह तुम इंशाल्लाह या तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, और अगर न भी पहुंचे, पूरी तरह भी न पहुंचे, रास्ते में मर गए, तो भी इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हां तुम्हारा कहने का कुछ मुंह होगा कि या अल्लाह हमने ये दो काम किसी के कहने पर किए थे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है माफी हो जाएगी। क्या है दो काम? एक काम ये कि हिम्मत छोटी सही, कमजोर सही, बेजान सही, लेकिन इसको जरा सा थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, यानी कोशिश जारी रखो गुनाह से बचने की और ताआत की तरफ जाने की, कोशिश जारी रखो, हिम्मत हार कर बैठ न जाओ, बल्कि कोशिश जारी रखो, अपनी सी कोशिश पूरी कर। क्या कि गुनाह के जो मौके हैं, जिन मौके पर गुनाह सरजद हो जाता है, जिन मौके पर मैं अपनी ख्वाहिशात के आगे हथियार डालकर मजबूर हो जाता हूं, उन मौके पर जाने से परहेज करो। हत्तलिका मसलन मिसाल के तौर पर निगाह का गुनाह है, ये होता है, तो ऐसे मौके जहां पर ये निगाह के गुनाह के इम्कानात हों, या जिस जगह निगाह के गुनाह का के मौके हों, हत्तल इम्कान वहां से अपने आप को कम हटाओ, कोशिश करो कि वहां जाना ही ना पड़े, और अगर जाना पड़े किसी जगह जरूरी, तो फिर यह आयत करीमा कि कुल लिल मुमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मोमिनों से कह दो कि अपनी आंख नीचे रख के जाओ,
तो असबाब जो है गुनाह के, उनको कम से कम करने की कोशिश करो। और गीबत का मौका है मसलन, कब होता है गीबत, कब होती है? आमतौर पर जब मजलिस जमती है, गपशप की मजलिस जमती है और उसमें किसी और का तज़किरा आ जाता है, तो क्या करो, या तो ऐसी फजूल मजलिसों में जाओ ही मत जहां यह अंदेशा हो कि गीबत होगी, और अगर होने लगे तो गुफ्तगू का रुख मोड़ लो किसी और तरफ, किसी और तरफ रुख मोड़ लो। बातों के रास्ते तो कोई कम नहीं है ना, एक बात नहीं हो सकी दूसरी बात से, किसी और तरफ रुख मोड़ के उस गुफ्तगू का रुख मोड़ के वो कर दो कोशिश। और अगर बिल्कुल आदमी मुबतला हो ही जाए तो क्या करे, उस वक्त हिम्मत का ये सोचो कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, मैं अल्लाह के लिए इस गुनाह को नहीं करूंगा। अज़्म को इस्तेमाल करें, हिम्मत को इस्तेमाल करें, ये अपनी सी कोशिश करें। कोशिश किसी हाल छोड़े नहीं, एक काम तो मैं कर रहा हूं, दो काम, एक काम तो ये, दूसरे अल्लाह ताला से दुआ, या अल्लाह मैं इस गुनाह में मुबतला हूं, अल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, अकली तौर पर इसको बुरा समझता हूं, अल्लाह मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो कोशिशें मैंने बताई हैं उनके ऊपर अमल करने की, लेकिन मैं कमजोर हूं, मेरा हौसला ज़ईफ है, मेरी हिम्मत कमजोर है, मैं हथियार डाल देता हूं, मैं मुबतला हो जाता हूं, अल्लाह आप अपने फर्ज और करम से मुझे बचा लीजिए, अल्लाह आप मुझे, आप दिलों के फेरने वाले भी आप, मुसर्रिब अल-क़ुलूब भी आप, अल्लाह आपके रहमत से मुझे बचा लीजिए। जब बंदा ये दो काम करता है, अपने हिस्से का काम क्या किया, अपने हिस्से का क्या काम किया, कोशिश छोड़ी नहीं, लगा रहा, और फिर अल्लाह ताला से मांगता है या अल्लाह इतना तो मैंने कर किया है, अब मुझे मंजिल तक पहुंचा दीजिए, बचा लीजिए मुझे। जब ये दो काम किए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि या तो बचा लेंगे, वाकई बचा लेंगे, गुनाह नहीं होने देंगे, या अगर गुनाह सरदक हुआ भी तो ताइबीन में दाखिल हो पाएंगे और माफी हो जाएगी। ये दो काम हो गए। देखो हज़रत रूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाई है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सबने सुना है, सब लोग जानते हैं ना कि ज़ुलैखा ने दावत दी गुनाह की। अब आप जरा अंदाजा करो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से बिछड़े हुए, बाप मां भाई से बिछड़े हुए और गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और जवान हैं, नौजवान हैं, अल्लाह ने हुस्न जमाल से भी नवाजा है और एक साहेब जमाल, साहेब मनसब खुद अपनी मालिकन गल एक तरह से वो दरवाजे बंद करके ताले डालकर और गुनाह की दावत दे रही, गुनाह की दावत दे रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरिश्ते नहीं है,
जिनके दिल में ख्वाहिशात ना हो, नहीं होती, फरिश्ते नहीं है, जिनके दिल में ख्वाहिशात पैदा ही नहीं होते। लेकिन फरिश्ते होने न होने के बावजूद, और कुरान ने खुद भी कहा है कि वहम्मा बिहा, दिल में कुछ न कुछ ख्याल आ चला था। अब ऐसे मौके पर देखो, और आ कैसे चला था, बड़े हजरत हकीम उल मौत बड़ा खान और फिलहाल ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है इसकी। पर मैं इस किस्म की ख्याल जो आ चला था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो किस किस्म का ख्याल था, कहले ये ऐसा ख्याल था जैसे रोजेदार को, रोजेदार के सामने अगर कोई प्यास लगी हुई है, हल्क में कांटे पड़े हुए हैं और रोजा रखा हुआ है, खा नहीं सकता, और सामने बर्फ में डूबा हुआ वो रूह अफ़ज़ा का गिलास सामने आ जाए, समझे, तो क्या होगा, उसकी तरफ रग़बत तो होगी या नहीं होगी, रग़बत होगी, रग़बत होगी, उसकी तरफ दिल मायल होगा। तो यह है हम बिहा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि रोजादार है, इस वास्ते यह ख्याल कभी नहीं आएगा कि मैं करूं ये लौपीलू रोजा को, वो सिर्फ एक रग़बत की हद तक रहेगा। तो यह है हम बिहा, लकद हम्मत भी व हम बिहा, उसने तो ख्याल किया ही था, इन्होंने भी ख्याल कर दिया, तो रग़बत भी हुई, ख्वाहिश भी दिल में पैदा तो हुई रग़बत के दर्जे में। लेकिन क्योंकि पैगंबर थे तो क्या क्या दो काम किए, एक ये कि मैं अपने जिसने बचने की कोशिश हो सकती है वो कर लूं, वो क्या कि दरवाजे तक भाग जाऊं, हालांकि देखा कि दरवाजे पर ताले पड़े हुए हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन यह कि मेरे बस में इतना ही है कि मैं दरवाजे तक भाग जाऊं, आगे फिर मुझे बचाना मेरे अल्लाह का काम है। तो अपने हद की कोशिश, अपने हिस्से की कोशिश कर ली, दरवाजे तक पहुंच गए, भाग गए, और अल्लाह ताला से फरियाद की कि अल्लाह इतना मैं कर सकता था, आगे बचाना आपका काम है। चुनाचे जब अपने हिस्से का काम करके बंदे ने अल्लाह को पुकारा, अपने हिस्से का काम करके अल्लाह ताला को आवाज दी, फरियाद की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करिश्मा दिखाया कि वो ताले टूट गए, और वही ज़ुलैखा का शौहर जो है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ मिल गया। तो मान रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगरचे रखना नहीं इस आलम रापदीद, गरचे रखना नहीं इस आलम रापदीद, फिर यूसुफ वार मी बायत दवी, कि अगरचे यहां दुनिया में भी तुम्हें कोई रखना नजर नहीं आ रहा, मासियत से गुनाह से बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे तक भागे थे उसी तरह तुम भी अब तो जहां तक भाग सकते हो भाग जाओ। फिर यूसुफ वार में बायत दवी, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला बचा लेगा। तो अपने हिस्से की कोशिश और अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद दुआ। ये अब कोई कहे जी मैंने दोनों काम करके देख लिए, कोशिश भी छोटी मोटी की और दुआ भी की, फिर भी नहीं बचा, फिर भी नहीं बच सका। तो पहली बात तो यह है कि भाई ये कोशिश और चीज है और तमन्ना और चीज,
एक तो होती है तमन्ना कि काश मैं ऐसा कर लूं, इस तमन्ना को कोशिश नहीं कहा जाता। आरजुओं से फिरा करती है तकदीरें कहीं, आरजू तमन्ना से नहीं होता बल्कि खुद कदम बढ़ाने से होता। तो कदम बढ़ाकर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करे, सोहबत अच्छी इख्तियार करे, नेक लोगों की सोहबत में उठे बैठे, अपने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करे और फिर वक्त के ऊपर, जब वक्त के ऊपर अपने आप को याद करे, जैसे मैंने कहा इदा मस्सहुम ताइफुम मिन शैतानी तज़क्करू, जब शैतान का कोई दाव चलने लगे तो संभल जाए आदमी और अल्लाह तबारक व तआला को याद करे, आखिरत को याद करे, कब्र का मंजर याद करे, अल्लाह ताला के सामने पेश होने का मंजर याद करे। तो कोशिश हो, सिर्फ तमन्ना ना हो, कोशिश हो, एक बात। दूसरी बात यह कि यह भी एक इंसान की फितरत है कि पहली कोशिश में इंसान मंजिल तक नहीं पहुंचता। अमूमन पहली कोशिश में नहीं पहुंचता, वो कोशिश बार 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 करनी होती है तो फिर कामयाबी हासिल होती है। आप अगर ये चाहो कि भाई मैं लंबी छलांग लगाऊं तो पहली मर्तबा में वो आपकी छलांग पहली मर्तबा में उतनी लंबी नहीं हो सकेगी जितनी लंबी चाहते हो। पहले थोड़ी सी लगाओगे, दूसरे दिन एक इंच और बढ़ जाएगा, तीसरे दिन एक इंच और बढ़ जाएगा, चौथे दिन और बढ़ जाएगा, फिर जाके कहीं इस काबिल होगे कि मुकाबले में हिस्सा ले लो, कुछ छलांगों का मुकाबले में हिस्सा ले। तो ये किस तरह होता है? मश्क से हो, बार बार करने से हो। कोशिश, पहली कोशिश कभी भी आम तौर से कामयाब नहीं होती इस तरह के बिल्कुल ही आदमी ऊंचे मकाम तक पहुंच जाए, बार बार करने। तो अगर फर्ज करो एक कोशिश की थी, कुछ गिर पड़े, कुछ कामयाब हो गए, तो ये भी समझो ये भी कोई नाकामी नहीं है। अब जब गिर पड़े तो क्या करो? इस्तग़फ़ार, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू, या अल्लाह मैंने कोशिश तो की थी अपनी थी लेकिन मेरी कोशिश कमजोर थी, वे कमजोर बुनियाद वाली थी, अल्लाह मैं मुब्तला हो गया, मैं गिर गया, मैं पड़ गया, अल्लाह मुझसे ये गफलत हो गई, अल्लाह अपने रहमत से मुझे माफ फरमा दीजिए और आइंदा मजीद अज़्म में पुख्तगी पैदा फरमा दीजिए, मेरी कोशिश में और तरक्की अदा फरमा दीजिए। जब बंदा ये करता है, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ। अब इससे ज्यादा और क्या क्या बात कहेंगे अल्लाह तबारक, क्या तसल्ली देंगे हम जैसे गुनाहगारों को, कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया या कोई बेहयाई कर बैठे, फालू फाह कहता तो क्या कहते हैं, ज़करुल, बाद में फिर अल्लाह को याद करते हैं, करूंगा फर्स्ट तक करूं दोनों अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। फिर दोनों भाईल्ला और अल्लाह के सिवा है भी कौन जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करे? मैं फिर दोनों बीच में देखो कैसे जुमले बता रहे, है भी कौन तुम्हारे जो गुनाहों को माफ करे? वरम यू सिर रो आला माफ आलू,
और जो कुछ किया है उस पर इसरार नहीं करते, जानते बूझते इसरार नहीं। इसरार का क्या माना? इसरार का माना यह कि एक तरफ तो उस चोरी पर सीना जोरी नहीं करते, यानी उसको सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, इसरार न करते। और दूसरे ये कि ये इरादा नहीं करते कि भाई ये तो करते ही रहेंगे हम आइंदा, ये काम दोनों बातों के। तो क्या होता है, ऐसे लोग अल्लाह तआला उनकी तारीफ करता है। तो अगर कभी इस तरह कोशिश के बावजूद ये हो जाए नुकसान और आदमी मजबूर हो, वो आदमी अपने अपने ख्वाहिशात के आगे हथियार डालने पर मजबूर अपने आप को पाकर कर गुजरे, तो फिर फौरन बिला ताखीर उस पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे, माफी मांगे, तौबा करे, या अल्लाह हो गई गलती। तो होता क्या है, ये बात अल्लाह ताला महफूज रखे, गुनाहों की जुरत तो पैदा न करे दिल में, लेकिन साथ मायूसी से बचाने के लिए बुजुर्गों ने फरमाया कि बाज़ औक़ात गलती करने के बाद जो नदामत होती है, जो हसरत होती है, जो सदमा होता है, और उस सदमे नदामत और हसरत के नतीजे में जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है और उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो बाज़ोकात इस रोने गिड़गिड़ाने से, इस नदामत से उसका दर्जा उस हालत से बेहतर आगे बढ़ जाता है कि वो गुनाह ना करता तो जो जैसो बढ़ता, बाज़ोकात उससे आगे बढ़ जाता। अल्लाह ताला इबादत फरमाए, कोई गलत बात जबान से निकल ना जाए, और अल्लाह ताला इबादत फरमाए कि इससे गुनाहों पर जुरत पैदा ना हो। तो लेकिन ये मायूसी, अल्लाह ताला के यहां मायूसी का गुजर नहीं। अगर आप नदामत के साथ और अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो कि या अल्लाह मुझसे हो गया, हो गई गफलत, हो गई मुजरिम हूं मैं, करारी मुजरिम बन के आपको बारगाह में हाजिर हूं, अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, आयता इरादा करता हूं, अजम करता हूं, पक्का इरादा करता हूं, नहीं करूंगा, और अल्लाह आप ही इस दुआ इस अजम पर साबित कदम रखने वाले भी आप ही हैं, तौफीक आप ही की है। जब बंदा ये करता है तो बाज़ोकात बहुत आगे हमारे। तो अल्लाह ने उन्हीं लोगों के सियाक में जिक्र किया है, तो अल्लाह ताला के नेक बंदे उनके सियाक में जिक्र किया है, अल्लाह ने फालू फाहिशतन ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। तो इस्तग़फ़ार को अपना शौक है, इस्तग़फ़ार को न छोड़े, नदामत को न छोड़े। ये नदामत की आहें कभी कभी इंसान को बहुत ऊंचा ले जाती है। हमारे हजरत बाबा नजमी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है जो मैं अक्सर सुनाया करता हूं, बड़ा प्यारा शेर है कि दौलतें मिल गई है आहों की, दौलतें मिल गई है आहों की, ऐसी तैसी मेरे गुनाहों की। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह दौलत दे दी कि उसके सामने आदमी आहें भर रहा है, इन्ना इब्राहिम वल हलीम अव्वाह मुनीब, आहें भर रहा है अल्लाह ताला के सामने, नदामत की आहें है और अल्लाह ताला के सामने फरियाद है अपने गुनाहों की माफी जो है,
मांगने की, तो दौलतें मिल गई है आहों की, ऐसी तैसी मेरे गुनाहों, तो फिर गुनाह बाकी नहीं रहते। तो अपनी सी कोशिश अल्लाह तबारक व तआला से मांगना, और अगर बिलफर्ज कभी गलती हो जाए तो फौरन इस्तग़फ़ार और तौबा। ये जिंदगी भर ये काम करता रहे इंसान तो इंशाल्लाह उसको सब्र का मकाम हासिल हो जाएगा अल्लाह ताला की सुन्नत। और कम अज कम इतना तो होगा ही कि अल्लाह मियां ऐसे आदमी के साथ वैसा मामला नहीं करेंगे जो गाफिल आदमी का मामला, उसको इंशाअल्लाह ताला माफ भी फरमा देंगे। अल्लाह ताला की रहमत से यही उम्मीद रखनी चाहिए। ये तीन काम करते करते इसी को वजीफा हयात बनाकर आदमी बढ़ जाए तो बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी मौत शहादत की मौत, अल्लाह ताला के रास्ते में, कि अल्लाह के रास्ते में आई ये मौत, कि वो अपने आप को दुरुस्त करने की फिक्र करते 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 इसी हालत में जान दे दी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहां उसको। तो भाइयों, एक तरफ तो ये बात चली थी इससे कि रमजान का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर सब्र करार दी, सब्र की मशक कराई गई, और मकसद यह है कि इस महीने में अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अपने काबू में लाने की कोशिश की जाए ताकि नफ्सानी ख्वाहिशात गुनाह की तरफ ना ले जाए, इसकी कोशिश करो। लालकुम तत्तकून। तो भाई आज हो सकता है आखिरी दिन हो रमजान का, और हो सकता है कि एक दिन और अल्लाह ताला का फरमा दे, तो यहां अल्लाह तबारक व ताला ने ये सब्र की मशक हमसे कराई है, तो जब यहां से रमजान से फारिग हो तो ये ना हो कि जो कुछ रमजान के अंदर कुछ अल्लाह ताला की तरफ रुजू का जज्बा पैदा हुआ, अपने गुनाहों पर कोई नदामत हुई या कुछ नेक आमाल अल्लाह ने करने की तौफीक अता फरमाई तो बस यहीं दामन झाड़ कर चले जाए। अल्लाह तबारक व तआला इससे ही बात महफूज रखते हैं। रमजान के बाद भी ये जो सब्र की एक कैफियत किसी दर्जे में अल्लाह ताला ने आता फरमाई, उसकी हिफाजत कर। और खुलासा उसका यही है कि नफसानी ख्वाहिशात के बहाव में बहने से अपने आप को रोको, सबक के काम करो। अल्लाह मैंने जायज नफसानी ख्वाहिशात पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, जायज नफसानी ख्वाहिशात पर अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लिहाजा सिर्फ ध्यान की बात है कि आया ये ख्वाहिश पूरी करना दुरुस्त है या नहीं। ये दूसरी एक बात और वही कहकर बात खत्म करता हूं कि एक अजीब कुरान करीम का उसलूब है अल्लाह तबारक व तआला के, जहां कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है रोजों का, नमाजों का, रोजों का, रमजान का वगैरह वगैरह, तो वहां फिर नमाज ईद का भी जिक्र है ना, वली तुक बिलुल इद्दा वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम गिनती पूरी कर लो रोजों की। अरे गिनती पूरी करने का भी अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, गिनती पूरी कर लो यानी रोजे की जो हकीकत है उसकी जो रूह है वो तो तुमसे बननी पड़ेगी। वो कहां बन पड़ेगी तुमसे, रोजे की जो हकीकत है उसका जो रूह है वो नहीं बन पड़ेगी,
लेकिन हम तुम्हारे से इतना ही कबूल कर लेंगे कि लितुक बनुल इद्दा, गिनती पूरी कर लो, 29 दिन या 30 दिन की जो गिनती है वो पूरी कर लो, तो हम उसी में नवाज देंगे तुम। रूह न सही, हकीकत न सही, उस जो जैसा होना चाहिए था वैसा रोजा तुम न रख सके, लेकिन जाओ तुमसे हम ये भी मुतालबा नहीं, गिनती पूरी कर लो, ले तो कौन है था। वली तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो जैसे कि अल्लाह ने अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत दी। क्या बड़ाई बयान करो? अल्लाहु अकबर। तो कहा गया है कि ये जो ईद का दिन आ रहा है ये अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन है, तकबीरात का दिन है, इसीलिए जब नमाज ईद को जा रहा हो आदमी तो तकबीर कहना मत भूलना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और नमाज भी ऐसी रखी है कि उसमें और तकबीरें ज्यादा है आम नमाजों से, खुतबा हो रहा है तो खुतबे के दौरान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तकबीरें लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। और यह हमने तब इसलिए किया ताकि तुम कुछ शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपने रोजों की तौफीक दी और उसकी गिनती हमसे पूरी करा दी और तकबीर की तौफीक दी। ये सारी बातें बार बयान कर दी अल्लाह मियां ने, रोजे की भी और ईद की भी, ईद की तकबीरात की भी। उससे फर्क बाद एक जुमला आयत है, वैदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो मैं कह देना मैं बहुत करीब हूं। मुझे उदावत अता, ये क्या हो गया? अभी रमजान की बात हो रही थी, रोजे की हो रही थी, ईद की हो रही थी, फौरन अल्लाह में ये कहते हैं। ये एक तरह से हम लोगों को ये तसल्ली है कि यह मत समझना कि रमजान खत्म हुआ तो अल्लाह मियां से ताल्लुक भी खत्म हुआ, रमजान खत्म हुआ तो अल्लाह से ताल्लुक भी खत्म, यह मत समझना। यह मत समझना कि रमजान में तो मैं कबूल करता था तुम्हारी दुआएं, बाद में कबूल नहीं करूंगा। यह मत समझना कि रमजान में तो हमसे कुर्ब हासिल हुआ था और रमजान के बाद में कुर्ब खत्म हो गया। नहीं नहीं, इदा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो इन्नी करीब, तो कहता हूं मैं बहुत करीब, तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब। उजीब दावत दा इदा दान, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब मुझे वो पुकारता है। फल युमनो भी है, फल सजीव बोली वलियो भी अल्लाह यफ़िर। तो जब मैं ये इतना करीब हूं तुम्हारे, तुम्हारी दुआएं सुनता हूं, तो तुम भी तो मेरी बात सुन लो, फल यस्तजी बोली, तुम भी तो मेरी बात सुन लो, क्या सुन लो? तो वलियो भी, तो मेरे ऊपर ईमान दिया, मेरे ऊपर ईमान के तकाजे पर को समझो, मेरे ईमान मुझ पर ईमान लाने के तकाजों पर अमल करो, तो क्या होगा? लाल सुदूर, सब ठीक ठाक हो जाएगा तुम्हारा, दुनिया आकर सब ठीक ठाक हो जाएगी। तो बतलाना यह मकसूद है कि रमजान के बाद यह ना समझ लेना कि अब अल्लाह मियां से ताल्लुक खत्म हो गया, अलहदुल्ला। अरे ये तो हमने तुमको गुजारा है, एक ट्रेनिंग कोर्स से गुजारा है अपने साथ ताल्लुक को मजबूत करने के लिए, अब इस ताल्लुक की हिफाजत करना, हमारे इस ताल्लुक की हिफाजत करना, बाहर निकलकर इसको दुनिया के ताल्लुक और दुनिया की मोहब्बत को इस पर गालिब न होने देना। तो अब मैं खुलासा याद करता हूं कि ये जो मैंने आज किया, कोशिश दुआ इस्तिग़फ़ार, ये तीन बुनियादी पत्थर हैं सब्र के, इनको पकड़ लें,
और इसमें से भी जो इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, रमजान में तो अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक हो गई दुआएं खूब करने की, रमजान के बाद कोई दिन खाली ना गुजरे जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला से रुजू होकर बंदा उससे न मांगे कि या अल्लाह मैं आपके दीन पर चलना चाहता हूं, मैं आपकी रजाए कामिल के हुसूल का ख्वाहिशमंद हूं, लेकिन अल्लाह मुझे नफ्स मुझे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, शैतान मुझे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, अल्लाह आप दिलों के फेरने वाले भी आप तौफीक देने वाले भी आप, गुनाहों से बचाने वाले भी आप, अल्लाह अपने फजल करम से अपनी रहमत से मुझे अपनी रजाए काबिल की जिंदगी अता फरमा दीजिए, अल्लाह मुझे मैं बेहिम्मत हूँ हिम्मत दे दीजिए, बेहौसला हूँ हौसला दे दीजिए, गुनाहों से बचने की ताकत मैं अपने अंदर महसूस नहीं करता, अल्लाह वो ताकत अता फरमा दीजिए, ताकत की तौफीक अता फरमा दीजिए, नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तबा की तौफीक अता फरमा दीजिए, ये दुआ अपना वजीफा हयात बना, रात को सोने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज मारूज करके सो, सुबह को उठो तो दिन के शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से ये दरख्वास्त करके ये अल्लाह दिन शुरू हो रहा है, अब मैं कारदार जिंदगी में दाखिल होने वाला हूं, न जाने कैसे हालात पेश आए, कैसे दाइये आए, कैसे महरिकात आए, कितने गुनाहों की तरफ बुलाने वाले आए, अल्लाह मुझे अपनी रहमत से अपने अपने हिफाजत में ले लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे इससे हिफाजत फरमाइए, ये दुआ करो, कोई दिन खाली न जाए, कोई दिन खाली न जाए, सुबह को उठते वक्त रात को सोते वक्त या अल्लाह जो कुछ गलतियां हो गई माफ फरमा दीजिए और आइंदा के लिए उससे बचने की तौफीक अता फरमाइए, ये कोई दिन खाली ना जाए, ये मामूली बात नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर अमल करके देखो तो, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बुजुर्गों से सुनी बुजुर्गों की बातें और तजर्बे की बात के जो आदमी इसका इसकी पाबंदी कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह तआला उसके ऊपर करम फरमा देते हैं और उसकी जिंदगी वो सब्र की जिंदगी बनने लगती है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हम सब कुछ की तौफीक अता फरमाए, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منها ما يرضيك عنا فأعطنا منها ما يرضيك عنا اللهم إنك عفو كريم اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقب في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا وخذ إلى الخير بناصيتنا وخذ إلى الخير بناصيتنا اللهم خذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة
اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وقلبا خاشعا اللهم يا ارحم الراحمين لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين اللهم انا نعوذ بك من الغفله والعيله والذله والمسكنه اللهم اني اعوذ بك من ان نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا ولا وآثرنا ولا توثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا رمضان کی مبارک ساعتیں عطا فرمائیں اے اللہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ آپ نے رمضان کے اندر اپنے فضل و کرم سے روزوں کی توفیق بخشی یا اللہ تراویح کی توفیق بخشی اے اللہ ہمیں کچھ عبادت کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ آپ کا شکر ہے جو کچھ توفیق آپ نے عطا فرمائی اس پر آپ کا شکر ہے یا اللہ اس عبادات کی ادائیگی میں ہم سے کوئی اس کا حق ادا نہ ہو سکا یا اللہ ہم نے ان میں بہت کوتاہیوں کا ارتکاب کیا یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ کی توفیق پر شکر ہے یا اللہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار ہے اے اللہ آپ کی توفیق پر شکر ہے آپ کی توفیق پر شکر ہے اپنی کوتاہیوں پر استغفار ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارا شکر بھی قبول فرما لیجئے ہمارا استغفار بھی قبول فرما لیجئے یا اللہ اس رمضان کے برکات جو انوار جو کچھ بھی آپ نے اپنے بندوں کے لیے مقدر فرمائے ہیں یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دیجئے یا اللہ کسی سے محروم نہ فرمائیے اے اللہ ہماری قابلیت کے بغیر عطا فرما دیجئے ہماری اہلیت کے بغیر عطا فرما دیجئے ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دیجئے اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے یا اللہ اس رمضان کے اندر آپ بے شمار انسانوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان کو اس میں شامل فرما لیجئے ہمارے گھر والوں کو ہمارے اعزاء کو ہمارے احباب کو ہمارے مشائخ کو ہم سے پڑھنے والوں کو یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے اس میں شامل فرما کر اتقاء رمضان میں داخل فرما دیجئے یا اللہ یہ رمضان جب پورا ہو یا اللہ جب رمضان گزرے تو اے اللہ ہماری مغفرت کے ساتھ گزرے یا اللہ رمضان گزرے تو ہماری زندگی کی تبدیلی کے ساتھ گزرے یا اللہ نہ ہمیں رمضان کے بعد نئی زندگی عطا فرما ایسی زندگی جو آپ کی طاعت کی زندگی ہو آپ کی دین کی اتباع کی زندگی ہو جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی زندگی ہو یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما دیجئے اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے نفس و شیطان پر قابو عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیجئے
या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, ऐसा ना हो कि रमजान के अंदर रमजान गुजरे हम अपनी मगफिरत ना करा सकें। या अल्लाह अपने रहमत से अपने फजल करम से मुकम्मल मगफिरत के साथ रमजान की तकमील फरमाइए। या अल्लाह हमें हमारे घर वालों मुतालिकीन अहबाब सबको उनके तमाम जायज मकासिद में कामयाबी अता फरमाइए। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की फरमाइश की है, अल्लाह उन सबको अपनी मुरादों में कामयाब फरमाइए, अपने रहमत से उनकी मुश्किलात को आसान फरमाइए। अल्लाह हर तरह के शर से फितने से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हमारी भी हमारे मुल्क की भी तमाम आलम इस्लाम की अल्लाह हर तरह के शर फितने से हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह जो लोग काफिरों के नरगे में फंसे हुए हैं, या अल्लाह जो उनकी कैद में गिरफ्तार हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से उन सबको आफियत के साथ रहाई अता फरमा। या अल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उन जैसे और दूसरे जो मुसलमान अल्लाह के नाम लेने की खास की वजह से या अल्लाह जो गिरफ्तार है कुफार के कैद में है, या अल्लाह उन सबको आफियत के साथ रहाई अता फरमा। या अल्लाह उनको आफियत के साथ रहाई अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को सरबुलंदी सुरखुरुई अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन अब्दुका व नबीयुक सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊजु बिका मिन शर्रि मा सअलका मिन अब्दुका व नबीयुक सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदुना मौलाना मुहम्मद وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Visit www.youtube.com/user/net world for all the latest lectures, maps, and much, much more.